किसने सोचा था कि साल 2020 में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोरोना का असर हम सब भलीभांति अपने आसपास और अपने जीवन में देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हम मनुष्य घर बैठे कोरोना से लड़ते लड़ते सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा निर्भर होते चले गए और इसी कारण इन कुछ महीनों में हमने सोशल मीडिया में कई वायरल वीडियोज़, ट्रेंड्स और खबरें आते देखे हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही सोशल मीडिया के वायरल बातों से आपका परिचय करवाते हैं। नंबर 5, YouTube वर्सेस TikTok। इसकी शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि YouTube बेटर प्लेटफॉर्म है या TikTok बेटर प्लेटफॉर्म है, लेकिन धीरे धीरे इस कंट्रोवर्सी ने ये मोड़ ले लिया कि यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स को रोस्ट करने लगे और टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स को। और ये कंट्रोवर्सी अपनी पीक पर तब जाकर पहुंची जब कैरी मिनाटी ने एक रोस्ट वीडियो बनाया टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी के ऊपर, जिसे 78 मिलियन व्यूज मिले थे और देश का मोस्ट लाइक वीडियो बन गया था। और फिर यूट्यूब ने उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि आज कैरी मिनाटी इंडिया के सबसे सफल यूट्यूबर बन गए, जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी के बीच काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए थे। अब इस कंट्रोवर्सी में कौन सही कौन गलत ये तो पता नहीं, पर इसने पूरे देश को दो भाग में बांट दिया था, यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स। नंबर 4, विनोद। जी हाँ, 2020 के कोरोना से भी वियर्ड और स्ट्रेंज ट्रेंड कोई है तो वो है विनोद। ये नाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में रातों रात वायरल हो गया और एक पॉपुलर मीम कंटेंट बन गया। अगर आप भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो आपने भी किसी न किसी पेज या वीडियो के कमेंट सेक्शन में विनोद को देखा होगा। इसकी पॉपुलरिटी कुछ इस हद तक बढ़ गई थी कि पेटीएम ने अपनी ट्विटर यूजर नेम विनोद कर लिया था। पर ये विनोद आखिर है क्या और ये वायरल कैसे हुआ, इसका जवाब आपको और हैरान कर देगी। ये स्टार्ट हुआ एक YouTube वीडियो से जो कि 15 जुलाई को स्ले पॉइंट नामक चैनल में आई थी और जिसका टाइटल था Why Indian Comment Section is Garbage। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में विनोद थारू के नाम के एक यूजर ने सिंपली अपना पहला नाम विनोद कमेंट कर दिया और बस यहीं से अजीब और गरीब वायरल होते चला गया। नंबर 3, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड। इस कोरोना के वक्त हमने कई कलाकारों को खोया है, उनमें से सबसे ज़्यादा चर्चे में आए सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून 2020 सुशांत ने अपनी आत्महत्या करके इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। MS धोनी, काय पोचे जैसे सुपरहिट मूवीज देने वाले सुशांत सिर्फ 34 साल के ही थे, पर इसके बाद जो हुआ और जो चल रहा है वो कोई वायरल से कम नहीं। 4 महीने हो गई है लेकिन CBI अभी तक ये खोजने में लगी हुई है कि ये कोई साजिश थी या सच में आत्महत्या। इस बीच कई न्यूज चैनल ने और भारत के जनता ने नेपोटिज्म, ड्रग्स और रिया को इसके जिम्मेदार ठहराया। अब तो वक्त ही बताएगा कि असलियत में हुई क्या थी। नंबर 2, रसोड़े में कौन था। आपने भी ये वायरल वीडियो देखा होगा जिसे देख पूरे इंटरनेट में बस एक ही सवाल पूछा जाने लगा और वो है रसोड़े में कौन था। इसके पीछे यशराज मुखर्जी नामक एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का हाथ है, जिन्होंने टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया से एक पार्ट उठाकर उसे रैप सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें कोकिला बहन राशि और गोपी से पूछती है कि किसने कुकर से चने निकाले और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। नंबर 1, बाबा का ढाबा। कुछ दिनों पहले गौरव वसन एक फूड ब्लॉगर ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने 80 साल के कांता प्रसाद और उनकी पत्नी की कठिनाइयों को दर्शाया। कांता प्रसाद अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के मालवीय नगर में 30 साल से बाबा का ढाबा चला रहे हैं, पर कोरोना के चलते उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजारा करना पड़ रहा था। रातों रात ये वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया में और अगले ही दिन उनके ढाबे के सामने लोगों की लंबी कतार खड़ी हो गई। न्यूज रिपोर्टर आके उनके इंटरव्यू लेने लगे। इससे ये तो एक बात पता चल गई कि इस कठिन समय में भी मानवता जिंदा है और सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग भी किया जा सकता है। तो ये थे कुछ वायरल फैक्ट्स जो बाकी फैक्ट्स से काफी हटके थे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।